अब्दुल्ला और आप इस वक्त देख रहे हैं अब्दुल्ला जान व्लॉगर। चलिए दोस्तों चलकर देखते हैं कि जो यहाँ शहीद हुए थे पीर अली मुराद फकीर और उसके साथ ही चलिए उनकी निशानियाँ देखते हैं। निशानी है पीर अली मुराद फकीर की और जो बाकी निशानियाँ हैं वो उसके साथियों के हैं जो यहाँ पर शहीद हुए थे रात के वक्त शहीद हुए। तो दोस्तों ये हैं उसके साथियों की निशानियाँ जहाँ पर इसके साथी शहीद हुए थे और लोग यहाँ पर दुआएं करने आते हैं, जिनके औलाद नहीं होती वो लोग भी आते हैं, अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजता है और बहुत से लोग यहाँ बहुत सारी दुआएँ करने आते हैं। ये है वो जगह यहाँ पर वो शहीद हुए थे और कहा जाता है कि इसी पहाड़ी से एक काफ़िला आया था जिन्होंने इन पर हमला किया। चलो दोस्तों चल के देखते हैं आगे इनका जो खैरात का सिस्टम होता है, खैरात लोग करने आते हैं, उनका सामान चीज़ें और पुरानी चीज़ें बहुत सी हैं वो भी देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो इतना सामान मुझे नज़र नहीं आ रहा है लेकिन कुछ पड़ा हुआ है सामान। तो लोग खैरात करने के लिए आते हैं यहाँ पर, लोग खैरात करते हैं, दुआएं करते हैं और यहाँ पर एक तो दोस्तों ये था यहाँ का सामान, खैरात वगैरह का सामान था। आइए देखते हैं छोटी सी मस्जिद है, कहा जाता है कि यहाँ पर एक फ़कीर बाबा बैठे होते हैं, उससे भी कुछ सवाल करते हैं, उससे भी पूछते हैं कि ये वाक़या कब हुआ और कैसे हुआ। आइए इस वक्त तो ये मस्जिद का दरवाज़ा बंद है, शायद फ़कीर बाबा कहीं पर गए हुए हैं, लेकिन मस्जिद आपको दिखाते हैं। आए मस्जिद देखते हैं। माशाल्लाह ये तो बहुत तो खूबसूरत मस्जिद मुझे नज़र आ रही है, लेकिन है कच्ची मस्जिद लेकिन इसका सिस्टम ज़बरदस्त सिस्टम बना हुआ है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। इस पर ये नमक है, चीनी है और पता नहीं क्या है इसमें, देखते हैं। ये नमक चीनी और पत्ती वगैरह हैं, शायद इन पर दम करके रखा है फ़कीर बाबा ने, इस पर दम हुआ पड़ा है और चाय का सामान भी है अगर कोई चाय तो चाय भी बना सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी कुछ पुराना सामान पड़ा तो हुआ है, ये है पुराने दौर का पंखा, गर्मी के जब गर्मी होती थी तो इससे अपने आप को हवा देते थे, ये उस दौर का पंखा है। और ये बल्ब वाला सिस्टम तो नहीं होता था, ये लालटीन वगैरह थे, बस यही थोड़ा सा सामान है, ये अब लालटीन भी रखे हुए हैं, अब तो माशाल्लाह से बिजली वगैरह का सिस्टम है। और यहाँ पर कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, ये भी तो मिट्टी के बर्तन है, ये तो पुराने लगते हैं मुझे और ये अभी के हैं। तो चलिए दोस्तों आओ ये वादी भी माशाल्लाह ब्यूटीफुल वादी है। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।